मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम पिछले क्लासेस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंतर्गत हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात कर रहे थे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट है क्या, उसका प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं, और उससे हमें सिंथेटिक एप्लीकेशन हम उसकी बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार से ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा दूसरे हम रिएजेंट में तीसरे हमें कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। तो हमें बात उसी आगे चर्चा हमें करनी है। तो हम बात कर रहे हैं, बात करें फॉर्मेशन ऑफ कीटोन की, बात करें फॉर्मेशन ऑफ कीटोन की बात कर रहे हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के माध्यम से हम कीटोन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या कहते हैं कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ और मेथिल साइनाइड के साथ कराते हैं, दैट मींस एल्किल हैलाइड और एल्किल साइनाइड के साथ कराते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है हमको कि हम एल्किल हैलाइड के स्थान पर हम एसिड हैलाइड का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें किस प्रकार से बनाएंगे कि जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एल्किल साइनाइड के साथ कराते हैं, एक्सेप्ट मेथिल साइनाइड को छोड़कर एसिड क्लोराइड ले लें उसकी रिएक्शन हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, एल्किल साइनाइड ले लें उसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं रिएक्शन, लेकिन हम एक्सेप्ट मेथिल साइनाइड, दैट मींस या मेथिल साइनाइड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम जब रिएक्शन कराएंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो हमारा क्या है, कीटोन का निर्माण होगा। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा हमारा। तो कहां गया एसिड क्लोराइड हम ले लें, यहां हमने ले लिया CH3COCl प्लस ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लें हम क्या CH3Mg और आई या एम जी या बी आर जो भी दे सकते हैं। अब ये ध्यान दें कुछ कंडीशन, कुछ हम पीछे बात करते थे कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों रिएक्शन शो करता है। कौन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोथ रिएक्शन ये शो करता है। तो बात करते हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्या होता है प्लस और जैसे माइनस। अब क्या होगा, यहां से ये हमारा ये इस तरह से और यहां से ये इस तरह से बनेगा। अब क्या होगा देखें, यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, बन गया हमारा CH3 और यहां पर CO प्लस MgCl और I, क्या बन गया है एसीटो, क्या बन गया एसीटोन बन गया कि हमने जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमने करा दी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया, हमारा कीटोन का निर्माण हो गया और कीटोन का इस तरह से हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करें कि हम साइनाइड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। हम एल्किल साइनाइड का प्रयोग करेंगे तो एल्किल साइनाइड कहा गया कि हम मेथिल साइनाइड का प्रयोग नहीं करें। तो देखिए यहां पर हम ले लें एथिल साइनाइड का प्रयोग कर लें कि रिएक्शन हम करा दें ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ CH3Mg और I के साथ रिएक्शन करा दें। क्या है यहां पर ये प्लस जैसे माइनस, यहां से ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, ये यहां से इस प्रकार से अटैक होगा। अब क्या बन गया, ये बन गया C2H5CCH3 डबल बॉन्ड NMG और I, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन गया। इस प्रकार से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक के साथ एडिशन हुआ तो हमारा क्या है इस प्रकार से अटैक किया इसने। अब क्या करना है, अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब हम क्या कराएं इसका हाइब्रिडाइजेशन करें।
क्या कराए हम, हाइड्रोलिसिस कराए। तो हाइड्रोलिसिस में कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर O, यहाँ पर H2, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तो क्या बन गया, ये बन गया C2H5, यहाँ पर CH3 प्लस NH3 प्लस Mg OH और I। ये हमारा क्या बन गया, बन गया मेथ एट्रोब्यूट, मतलब टू ब्यूटेनोन, टू ब्यूटेनोन। इस तरह से हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। तो एथिल साइनाइड की हमने रिएक्शन कराया इग्नाइट एजेंट के साथ एंड देन हाइड्रोलिसिस, और हमारा क्या प्रोडक्ट बना, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करें अगर नेक्स्ट सिंथेसिस की बात करें, आगे चलते हैं, आगे हम चलें तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स की बात करें, तो कहते हैं जब इग्नाइट एजेंट की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमारा क्या है, एसिड का निर्माण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा इग्नाइट एजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं। तो हम ले लेते हैं इग्नाइट कार्बन डाइऑक्साइड और हमने रिएक्शन कराया इग्नाइट एजेंट के साथ CH3, Mg और Br। क्या होगा, ये हमारा क्या है प्लस, दिस इज माइनस, ये क्या करेगा अटैक करेगा एंड दिस इज बेस। अब क्या बनेगा, ये बन गया CH3 C O O Mg और Br एंड देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C O OH प्लस Mg Br और OH, क्या बन गया ये एसिटिक एसिड बन गया, क्या बन गया एसिटिक एसिड बन गया। इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मींस क्या एसिड्स का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जो रिएक्शन है ये वेरी लो टेम्परेचर पर कराई जाती है। ध्यान है, ध्यान दें क्या है कि इट इज नोटेड दैट द रिएक्शन इज कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये रिएक्शन बहुत टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में कराई जाएगी, किसको अवॉइड करने के लिए कि हमारा ये हमारा कीटोन्स ना बने और टर्शियरी अल्कोहल्स का निर्माण ना हो, इससे बचने के लिए हम इसको रिएक्शन क्या हमारी लो टेम्परेचर पर कराई जाती है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमारा रिएक्शन प्रोसीड होते हैं और कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का निर्माण करना है। तो हम क्या फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, जब विग्नार एजेंट की रिएक्शन हम क्लोरो फॉर्मिल एसीटेट के साथ करा दें, या कह सकते हैं हम एथिल क्लोरो फॉर्मेट, एथिल क्लोरो फॉर्मेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं जब विग्नार एजेंट की, क्या कहा गया कि जब विग्नार एजेंट की रिएक्शन हम एथिल क्लोरो फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या है
ईस्टर का निर्माण होता है। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से हमारी रिएक्शन होगी। तो हम बात करते हैं एथिल फॉर्मेट की, बात करते हैं क्लोरो एथिल फॉर्मेट है, एथिल क्लोरो फॉर्मेट है, ये क्या है एथिल क्लोरो फॉर्मेट है। हमने रिएक्शन कराई इसकी गगनार रिएक्शन के साथ C2H5Mg और Br के साथ कराया। ये हमारा क्या है प्लस, दिस इज माइनस। क्या होगा यहां से, यहां से ये इधर से अटैक करेगा और ये यहां से इधर से। तो हम क्या करेंगे, हम चलो इसको ऐसा करते हैं, इसने ऐसा अटैक किया, देखें यहां पर ये हमारा क्या है HCOOC2H5, ठीक, इसने इस पर अटैक किया और ये यहां पर ट्रांसफर इस तरह से। अब क्या बन गया, ये बन गया, बन गया C2H5COO C2H5 plus Mg Cl और Br, बन गया। ये हमारा क्या है एथिल प्रोपेनोएट। इस तरह से हम ईस्टर्स का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर ये गगनार रिएक्शन हमारा शो करता है। इस तरह से हम ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करें, बात करें फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ईथर की बात करें हम, यहां पर हम बड़ा बना लेगा। तो कहते हैं क्या कि जब हम गगनार रिएजेंट, हमने ले लिया गगनार रिएजेंट, ले लिया C2H5Mg और यहां पर Br, और रिएक्शन करा दी हम किसके साथ, अल्कोहल के साथ। क्या कराया हमने, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दी, गगनार रिएजेंट की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, अल्कोहल के साथ करा दी। तो अल्कोहल हमारा क्या है, नहीं यहां पर C2H, ये क्या होगा यहां पर, ये क्या है, ये क्या है, ये प्लस, दिस इज माइनस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये जो ब्रेक होगा, कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, तो क्या होगा यहां से हम इसको कह सकते हैं ये अटैक करेगा, इस तरह से हम इसको इसको लिखें H, ये यहां से इसको ले लेगा और ये यहां से इस तरह से। तो हमारा क्या हो गया, बन गया क्या -C2H6 निकल गया, और बना क्या, ये बन गया C2H5 O Mg और Br। और फिर इसकी हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, हम किसके साथ रिएक्शन करा दें, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन कराएं, C2H5I के साथ रिएक्शन करा दें। तो इसमें केस तो ही हमारा है कि हमारा ये प्लस, ये हमारा प्लस और ये हमारा ये माइनस। अब क्या होगा यहां से, देखिए यहां पर ये जो हमारा है ये क्या करेगा, ये इसको, ये माइनस है, ये हमारा क्या इस तरह से टूटेगा, हम कह सकते हैं ये इसको अटैक करेगा और ये यहां से इधर ट्रांसफर होगा। अब क्या होगा, ये बन क्या कहेंगे, बन गया C2H5O C2H5, क्या बन गया C2H5O C2H5, और निकल क्या गया माइनस Mg Br और I।
क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। इस तरह से हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ईथर का निर्माण गैगनार रिएजेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये देख लें,